हाय, मेरा नाम है निशांत कुमार और इस वीडियो में हम बात करेंगे DFCCIL 2021 के एग्ज़ाम डेट, एग्ज़ाम मंथ के बारे में। दोस्तों, आप सबको पता होगा DFCCIL का नोटिफिकेशन अप्रैल के थर्ड वीक में आया था। उस टाइम पे आपको वन मंथ का टाइम दिया गया था उस फॉर्म को फिल करने के लिए और उसकी एग्ज़ाम डेट थी जून 2021। बट क्या हुआ, अप्रैल में कोरोना वायरस कोविड के केसेस इंक्रीज होने की वजह से धीरे धीरे करके एक एक शहर में लॉकडाउन होता गया और देखते ही देखते पूरा देश एक बार लॉकडाउन हो गया। तो उस केस में DFCCIL ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन से हम सबको ये बताया था कि हम एग्ज़ाम डेट को एक्सटेंड कर रहे हैं और फॉर्म फिल की डेट को भी हम आगे बढ़ा पा रहे हैं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स अपने फॉर्म फिल के लिए एसेंशियल्स डॉक्यूमेंट्स सबमिट नहीं कर पा रहे थे, जैसे OBC, EWS सर्टिफिकेट या फिर कॉलेज से कोई मार्कशीट या डिग्री जो पेंडिंग था। अब ऐसे में लॉकडाउन भी अब हटा लिया गया है सभी सिटीज़ से। सभी सिटीज़ में एसेंशियल सर्विस को फिर से रीओपन कर दिया गया है, बस सर्विसेज, ट्रेन सर्विसेज ओपन हो गया। तो अब सवाल आता है कि ऐसे में अब एग्ज़ाम डेट क्या होगा। इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करना वाले हैं। हाल ही में बीते कल परसों में मैंने विजिट किया था न्यू दिल्ली को। दोस्तों, आप सबको पता ही होगा न्यू दिल्ली में ही DFCCIL का हेडक्वार्टर है। एग्ज़ाम क्लियर होने के बाद में आपको न्यू दिल्ली ही बुलाया जाएगा आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए और मेडिकल के लिए। मैंने अपनी जो लास्ट ट्रिप थी उसमें मैंने दिल्ली, NCR जैसे कि गुड़गांव, फरीदाबाद और गाज़ियाबाद में ट्रैवल किया था और मैंने कुछ चीज़ों को ऑब्ज़र्व किया। इस वीडियो में मैं अपनी ऑब्जर्वेशन आपसे शेयर करूँगा और उस बेसिस पे आपको बताऊँगा कि एग्ज़ाम डेट आगे क्या हो सकती है। वॉच दिस वीडियो टिल एंड। तो दोस्तों, आपने देखा कि मैंने बस सर्विसेज को यूज़ किया, मैंने ट्रेन सर्विसेज को यूज़ किया, कैब सर्विस को। दोस्तों, मैंने अपनी न्यू दिल्ली की ट्रिप में, विजिट में मैंने पाया कि दोस्तों, जो भी आपकी सर्विसेज हैं जैसे कैब सर्विसेज, ऑटो सर्विसेज, ई रिक्शा, सारी सर्विसेज अच्छे से एक्टिव हैं। बस सर्विसेज 50% ऑक्यूपेंसी के साथ में, रिस्ट्रिक्शन के साथ में अच्छे से एक्टिव है। मेट्रो सर्विसेज आपने देखा होगा वीडियो में, दिल्ली मेट्रो सर्विसेज जो कि लाइफलाइन है दिल्ली में NCR की, वो अच्छे से एक्टिव है और आप उसमें आराम से उसमें ट्रैवल कर सकते हैं विद कोविड प्रिकॉशंस, दैट इज़ मास्क एंड टाइम टू टाइम हैंड सैनिटाइजेशन के साथ में। सभी टाइप की मार्केट्स ओपन थी वहाँ पे, क्लॉथ मार्केट, फूड मार्केट, होटल्स, ओयो रूम्स, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल। फूड शॉप्स वहाँ पे ओपन हैं, सारी क्लॉथ मार्केट ओपन है, मॉल्स ओपन थे, जिम्स ओपन थे। मैंने अपने विजिट में पाया कि ऑलमोस्ट ऑल सर्विसेज, ऑल शॉप्स वगैरह हैं जो भी बेसिक नीड्स की, वो सभी ओपन हैं। तो ऐसे में अगर कोई एग्ज़ाम कंडक्ट हो तो आप सबको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ना तो दिल्ली को विजिट करने में प्रॉब्लम होगी क्योंकि सभी स्टेट से ईजिली बस अवेलेबल हैं, और ना आपको विद इन दिल्ली ट्रैवल करने में कोई प्रॉब्लम होगी क्योंकि विद इन दिल्ली बस सर्विसेज अच्छे से एक्टिव हैं, मेट्रो सर्विसेज अच्छे से एक्टिव हैं एंड ऑल द कैब्स, ई रिक्शा विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस आप उनमें ट्रैवल कर सकते हैं। तो मेरा ऐसा सोचना है, ऐसा मानना है कि अगस्त में आपको नोटिफिकेशन दे दिया जा सकता है कि एग्ज़ाम डेट आने ही वाली हैं। सितंबर में मोस्ट प्रोबेबली आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होने के चांसेस है। नोटिफिकेशन में सितंबर अक्टूबर लिखा था, तो हम सितंबर थर्ड वीक से लेके अक्टूबर सेकेंड वीक तक हम अपनी अजम्पशंस रख सकते हैं कि एग्ज़ाम इन्हीं डेट्स में होगा। दोस्तों, आप सबको अपनी प्रिपरेशन अब और भी रैपिड मोड में करनी स्टार्ट कर देनी है क्योंकि अब एग्ज़ाम में सिर्फ 2 मंथ बच गए हैं। अब मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि दोस्तों जाओ टेस्ट सीरीज़ को ले लो, नहीं। अब मैं चाहता हूँ कि आप अपनी इम्प्रूवमेंट इसी टाइम पे करें।
अगर आप टेस्ट सीरीज को लास्ट पॉइंट पे लेंगे तो आपके पास इम्प्रूवमेंट करने के लिए जरा सा भी टाइम नहीं बचेगा। सोच के देखिए दोस्तों, आप सितंबर के मंथ में आप टेस्ट दे रहे हैं और आउट ऑफ 120 आप सिर्फ 70 क्वेश्चंस ही कर पा रहे हैं, 70 मार्क्स ही ला पा रहे, तो आपके पास इम्प्रूवमेंट करने के लिए जरा सा भी टाइम नहीं होगा। तो दोस्तों ऐसे में क्या करना है, इम्प्रूवमेंट हमको इसी टाइम पे करना है, इसी टाइम पे हम अपने नोट्स को करेक्ट कर सकते हैं। सो गाइस प्लीज गो एंड टेक द सब्सक्रिप्शन ऑफ टेस्ट बुक, जिसमें आपको मिलेंगे मोर देन 350 एग्जामिनेशन के टेस्ट और DFCCIL के टेस्ट भी उसी में है, और आप इन्हीं दिनों में एग्जाम को दीजिए, टेस्ट को दीजिए, और आप मुझसे अपना स्कोर कार्ड शेयर कीजिए, आप किस पोर्शन में कितना स्कोर कर रहे हैं आप प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में वो डाल सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं अपना टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, आप मेरा टेलीग्राम का चैनल है, ग्रुप है, उस पर आप अपना स्कोर कार्ड शेयर कीजिए। आने वाली वीडियोस में मैं अब आपसे शेयर करने वाला हूं कि दोस्तों जो आपका स्कोर आ रहा है वो कितना कम है, क्या वो ज़्यादा है, या फिर अगर आपका कम है तो आपको उसको किस रेशियो में बढ़ा सकते हैं, आप जहाँ पे कमी कर रहे हैं आप उस कमी को कैसे दूर कर सकते हैं। अब हम सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे टेस्ट सीरीज से आपकी परफॉर्मेंस को इन्हेंस करने की। सो जिन भी दोस्तों ने टेस्ट सीरीज को नहीं अवेल किया, प्लीज़ इट्स द परफेक्ट टाइम, पीक टाइम कि आप उसको अवेल कर लें और अपनी परफॉर्मेंस पे एक मीटर लगा लें, जिससे आप अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ा सकते हैं अकॉर्डिंग टू द टाइम। अगर आप यही काम सितंबर में करेंगे, अक्टूबर में करेंगे, आपके पास जीरो टाइम रहेगा उस चीज़ को करने के लिए। सितंबर मंथ इज़ ओनली फॉर रिवीजन माय फ्रेंड्स, आपको एक सेपरेट नोटबुक भी बनानी है आपके टेस्ट की, आपको अपने जितने भी टेस्ट दे रहे हैं उसमें जो जो मिस्टेक्स कर रहे हैं उन मिस्टेक्स को आपको लिखते जाना है एक जगह पे, और सेवंथ डे के दिन 7 दिन के बाद उस नोटबुक को आपको रिवाइज भी करना है। सो दोस्तों हाईली एक्सपेक्टेड है कि एग्ज़ाम डेट्स सितंबर या अक्टूबर के सेकेंड वीक तक हो जाएं, आपके पास लेस टाइम है, प्लीज़ आप अपनी प्रिपरेशन को स्पीड से कीजिए। हमारे चैनल पे ऑलरेडी पॉलिटी की क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं, साइंस और इकोनॉमिक्स की क्लासेस चल रही हैं, इकोनॉमिक्स में मोर देन 500 क्वेश्चन हम कवर करेंगे। सो प्लीज़ गाइज हैव ए गुड प्रिपरेशन, और आप टेस्ट सीरीज को अवेल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज का आपको लिंक मिल जाएगा, अगर आप मेरा कूपन कोड यूज़ करते हैं जो कि है AZ10 अरेवा जीनियस 10, तो आपको मिलता है 10% का डिस्काउंट, दैट इज़ 30 रुपीज़ ऑफ, और आपको वो टेस्ट सीरीज 270 रुपीज़ में अवेल हो जाएगी। सो दोस्तों प्लीज़ इन्हेंस योर परफॉर्मेंस, प्लीज़ कमेंट योर स्कोर, आप किस टॉपिक में वीक हैं प्लीज़ मुझसे शेयर कीजिए, यही टाइम है आपके स्कोर को इंक्रीज करने का, आपकी परफॉर्मेंस को और बेटर करने का। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आई होप मेरा मैसेज आपसे क्लियर हो गया हो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे, ऑल द डिटेल्स ऑफ द लिंक्स आर इन डिस्क्रिप्शन। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।